हाय, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करेंगे और राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया हुआ है और यहाँ पे एक मैंने पीसी लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक वायर अटैच करूँगा, इससे कनेक्ट कराऊँगा और मैं कंसोल वायर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कंसोल एंड और यहाँ पर मैं IRS232 वाला एंड पीसी से कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अपने राउटर पर जाता हूँ और अपने CLI मोड पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ IOS कमांड इंटरफेस, तो इसको IOS CLI भी कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ये खोला है तो यहाँ पे ये राउटर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो अब ये क्या है? ये डिफरेंट मोड्स होते हैं। अब राउटर और स्विचेस में डिफरेंट मोड्स होते हैं, तो पहले इन मोड्स को समझ लेते हैं कि कितने तरीके के मोड्स होते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोड्स। 3 तरीके के मोड होते हैं। पहला मोड होता है हमारे पास यूज़र एग्जिट मोड, जो कुछ इस तरह से शो होता है राउटर का ग्रेटर देन के साइन के साथ। दूसरा हमारे पास होता है प्रिविलेज एग्जिट मोड, जो हमारा राउटर के सामने हैशटैग का जो है वो सिंबल होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जो इस तरह से होता है राउटर कॉन्फ़िग जो होता है ब्रैकेट में और उसके आगे हैशटैग का सिंबल होता है। अब हम कौन कौन सी कमांड जो है यूज़र एग्जिट मोड पर रन कर सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं। हम बहुत ही बेसिक कमांड इसमें रन कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इसमें, पिंग की कमांड रन कर सकते हैं, इनेबल की कमांड कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कमांड्स है जो हम यूज़र एग्जिट मोड पे हम रन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिविलेज मोड पे आ जाते हैं। प्रिविलेज मोड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम और मोड्स को एक्सेस करते हैं, यानी हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को पूरा हम एक्सेस कर लेते हैं। इसमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड को एक्सेस कर लेते हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड को एक्सेस कर लेते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड को एक्सेस कर लेते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है? इसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने राउटर की, यानी हमें कोई पासवर्ड सेट करना हो, कोई IP एड्रेसिंग करनी हो, कोई IP रूट डिफाइन करना हो या और भी बहुत चीज़ें हम इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन मोड में सेट करते हैं, जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो चलिए हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। मैं राउटर पर गया और अपने, जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी यूज़र मोड में हूँ। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती हैं वो सारी हमारी होती हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में मुझे जाने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में, क्योंकि मुझे टेयर बाय टेयर पहुंचना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो अब मैं यूज़र मोड से पहले जाऊँगा प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड से फिर मैं जाऊँगा अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो अब मैं पहले प्रिविलेज मोड में किस तरह जाऊँगा, मैं यहाँ पे यूज़र मोड पे लिखूँगा इनेबल। अब आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ प्रिविलेज मोड में। अब मुझे यहाँ से एक्सेस करना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जहाँ पे जाके मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। वो किस तरह करूँगा? कॉन्फ़िग टी लिखूँगा यहाँ और मैं यहाँ पर अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटर हो चुका हूँ। अब हम अपनी पहली बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी हम होस्ट नेम सेट करते हैं। अब होस्ट नेम क्या होता है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राउटर। अब ये जो है बेसिकली एक होस्ट नेम है। तो अब इसको किस तरह सेट करते हैं? अब इसको सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, वो होती है होस्ट नेम, और मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ अपनी मर्ज़ी का। मैंने यहाँ पे दे दिया हुआवे। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो देख सकते हैं आप, हुआवे सेट हो चुका है इसका होस्ट नेम। तो इस तरीके से आप होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। अब मैं अगली कॉन्फ़िगरेशन जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं दिखाता हूँ बेसिकली करना क्या जा रहा हूँ। एग्जिट किया। अब आप देख सकते हैं मैं अभी अपने यूज़र मोड पर आसानी से एक्सेस हो रहा हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र मोड को एक्सेस होने से पहले ही मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा लूँ। तो पासवर्ड किस तरह लगाऊँ चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल कॉन्फ़िग टी, क्योंकि मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगी। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? लाइन कॉन ज़ीरो, अपनी पहली कमांड। अब लाइन कॉन ज़ीरो मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं कंसोल वाई यूज़ कर रहा हूँ अपनी, और जो हमारी सिस्को डिवाइस होती है इसमें एक ही लाइन होती है कंसोल की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन कॉन ज़ीरो। अब मैं आगे क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड दे दूँगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया हुआवे 1 और इसको इंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक और कमांड हमारे हमें लिखनी होती है लॉगिन की, सही है। इन 3 कमांड्स की मदद से मैंने अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया है इसमें यूज़र मोड से पहले, यानी यूज़र एक्सेस से पहले। अब इसको ये चल रहा है नहीं चल रहा, हम इसको कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं। पहले मैं एग्जिट करके बाहर आऊँगा टेयर बाय टेयर। ये मैं बाहर आया कॉन्फ़िग लाइन से, फिर कॉन्फ़िग पे आया, फिर कॉन्फ़िग से बाहर आने के लिए मैं हुआ इससे बाहर आऊँगा प्रिविलेज मोड से। अब मैं बाहर आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं कि मुझे यूज़र एक्सेस से पहले ये बोल रहा है कि पासवर्ड दो। अब मैंने पासवर्ड क्या दिया था? हुआवे 1। अब ये देखें, मैंने जैसे ही एंटर किया तो पासवर्ड जो है वो एक्सेस हो गया, मुझे मिल गया यूज़र मोड का।
ये पासवर्ड आपका शो नहीं होता हो रहा होता, लेकिन ये टाइप हो रहा होता है। तो चलिए, अब मैंने ये पासवर्ड सेट कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ मैं यूज़र नेम भी सेट करूँ। अब तो यूज़र नेम सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊँगा। मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल, यहाँ पे दोबारा लिखा कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैंने अब यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करूँगा। यूज़र नेम मैंने लिखा हुआ है, और पासवर्ड मैंने वही रहने दिया जो पुराना वाला था। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसको कहाँ सेट करना चाह रहा हूँ, वही लाइन कंसोल ज़ीरो पे, और कहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, लॉगिन लोकल। अब लोकल जो लिखा है, जब हम इसमें और जो हमने पुराना जो पासवर्ड सेट किया था उसमें एक ही फ़र्क है, जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड एक साथ दे रहे होते हैं तो आपको लॉगिन लोकल वाली कमांड जो है लिखनी पड़ती है। तो अब मैंने ये तीनों कमांड लिखने के बाद अब मैं अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर चुका हूँ यूज़र एक्सेस वेरीफिकेशन में, अपना यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। अब दोनों चीज़ें मुझे, मैं जब भी जो है एक्सेस करने की कोशिश करूँगा यूज़र मोड को, तो वो मेरे से ये दोनों चीज़ें मांगेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि मांग भी रहे नहीं। एग्जिट किया, दोबारा एग्जिट किया, जैसे ही मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की यूज़र मोड को, देखें इसमें मेरे से ये मांग रहा है मेरा यूज़र नेम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका पासवर्ड लिख दिया। अब देखें मैं एक्सेस हो चुका हूँ दोबारा से अपने यूज़र बोर्ड पे। तो इस तरह आप यूज़र नेम पासवर्ड भी दोनों सेट कर सकते हैं यूज़र एक्सेस करने से पहले, यूज़र मोड को एक्सेस करने से पहले। अब मैं जो है पासवर्ड अपना सेट करूँगा प्रिविलेज मोड पे। अब देखें जैसे मैंने इनेबल लिखा, तो अब ये मेरे पास इजीली एक्सेस हो रहा है प्रिविलेज मोड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनेबल करने के बाद मेरे से एक पासवर्ड पूछे, उसके बाद मुझे एक्सेस दे प्रिविलेज मोड का। तो अब मैं ये किस तरह सेट करूँगा, मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाऊँगा, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाने के बाद मैं लिखूँगा इनेबल पासवर्ड, और मैंने पासवर्ड का दे दिया सिस्को। अब ये जो है एक ही लाइन से प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लग गया। अब मैं इसको चेक करूँगा, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, दोबारा एग्ज़िट किया। अब मैं शुरू से दोबारा अपना जो है इसमें साइन इन हूँगा या लॉग इन हूँगा। अब मैंने पहले यूज़र नेम दिया जो मेरा हुआवे था, और अपना पासवर्ड दिया जो मेरा हुआवे वन था, और फिर मैंने इनेबल लिखा। अब इनेबल लिखने के बाद देखिएगा मेरे से ये पासवर्ड मांगेगा प्रिविलेज मोड के एक्सेस के लिए। जैसे मैंने एंटर किया इसने मुझे पासवर्ड मांग लिया। अब पासवर्ड मांगा इन्होंने, तो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया अपना पासवर्ड सिस्को। तो मैं यहाँ पे अब मैं एक्सेस हो चुका हूँ अपने प्रिविलेज मोड में। तो ये देखें मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आप प्रिविलेज मोड में पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ कि पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासवर्ड सेट हुआ है। अब मैं अगली चीज़ जो आपको कराने जा रहा हूँ, ये कराने जा रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो। अब इनक्रिप्शन वाला पासवर्ड मैं सेट करने जा रहा हूँ। क्या इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है ये इनक्रिप्ट हो जाए, यानी इसकी कोई सिक्योरिटी की बन जाए, तो किस तरह करूँगा मैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। चलिए देखते हैं, दोबारा से मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा, और यहाँ पर लिखूँगा इनेबल सीक्रेट, और मैं इसको लिखूँगा सिस्को लैब। अब मैंने ये सेट कर दिया, तो ये सीक्रेट का कीवर्ड क्या करेगा, जो मेरा पासवर्ड होगा इसको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊँगा। देख सकते हैं जैसे मैंने, ये था मेरा पुराना पासवर्ड, और ये है मेरा नेम जो है सीक्रेट पासवर्ड। अब ये जो है पूरा का पूरा इनक्रिप्ट हुआ है। अब जो है क्या होगा कि जब अब मैं जो प्रिविलेज मोड को एक्सेस कर रहा हूँगा, तो अब मुझे कौन सा पासवर्ड लगाना होगा, वो अब मुझे लगाना होगा सीक्रेट वाला पासवर्ड, यानी ये वाला पासवर्ड मैं लगाऊंगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई हो जाती है। जब भी आप सीक्रेट का जो है कीवर्ड लगाएंगे तो उस वाले पासवर्ड की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, और जो आपने पुराना पासवर्ड लगाया हुआ सिंपल वाला उसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी, तो उससे कभी लॉगिन नहीं होगा। तो आपको लॉगिन करने के लिए सीक्रेट के साथ जो आपने पासवर्ड लगाया है वो आपको टाइप करना होगा, या वो उससे आप उसके ज़रिए आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं, मैं एग्जिट करता हूँ और फिर शुरू से लॉगिन करके दिखाता हूँ। मेरा पहले ये था हुआवे, और फिर मेरा ये था पासवर्ड हुआवे वन, और फिर इनेबल मेरे पास था। अब मैं पहले सिस्को डाल के देखता हूँ, तो सिस्को डाल के देखा तो देखें इसने नहीं खोला। अब मैं सिस्को लैब डालूँगा जो मेरा सीक्रेट वाला पासवर्ड था, तो ये इसने मुझे लॉगिन कर दिया है, यानी एक्सेस दे दिया है प्रिविलेज मोड का।
तो हमने ये, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। अब मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी पासवर्ड मैंने अभी तक अप्लाई किए हैं नेस्ट सॉफ्टवेयर पे, वो सारे के सारे इनक्रिप्ट हो जाएं। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पासवर्ड मेरे शो हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये तो मैंने सीक्रेट का कीवर्ड लगाया तो इस वजह से ये इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो जाए। तो अब वो किस तरह होगा, अब वो किस तरह होगा, आप एक पहले ऊपर ये लाइन देख लें, इस पर लिखा हुआ है नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब ये अभी ऑन नहीं है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा अब कमांड के ज़रिए, तो क्या होगा कि जितने भी पासवर्ड मैंने अप्लाई किए हुए होंगे अपने राउटर पे, वो सारे के सारे इंक्रिप्ट हो जाएंगे। तो अब मैं किस तरह करूँगा, मैं अपने जाऊँगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे लिखूँगा सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सर्विस पासवर्ड ये मैंने सेट किया। अब मैं इसको देखूंगा कि क्या हुआ है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ है। मैं इसको एग्जिट करूंगा और मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग करके दिखाता हूं। अब ये देखें क्या हुआ है यहां पे, कि ये पहले यहां पे जो सिस्को लिखा हुआ आ रहा था अब वो भी इंक्रिप्ट हो चुका है, और यहां पे जो पहले लिखा हुआ आ रहा था नो सर्विस इंक्रिप्शन जो है पासवर्ड इंक्रिप्शन, वो अब हो चुका है ऑन और अब लिखा हुआ आ रहा है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो हमने ये भी कर लिया। तो अब अगला हम करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, हम सेट करेंगे बैनर। अब बैनर कहाँ सेट होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बैनर आए, तो वो मैं किस तरह से लगाऊंगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले मैं लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड मेरा था हुआवे वन और इनेबल था ये, और सिस्को लैब था मेरा इसका पासवर्ड, और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। फिर दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेट करूँगा अपना बैनर। अब बैनर सेट किस तरह करते हैं कि हम लिखते हैं बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे, यानी इसको कहते हैं, और हैशटैग का निशान लगाऊंगा और इधर लिखूँगा इसके अंदर वेलकम और हैशटैग क्लोज कर दूँगा। तो ये एक मिनट गैप देना है मुझे, और ये सेट हो गया। तो अब ये बैनर मेरा सेट हो गया, तो आपको इसको देख लेते हैं कि ये शो हो रहा ही नहीं हो रहा, तो हम इसको एग्जिट करते हैं और ये देख सकते हैं आपके मेरे पास ये बैनर शो हो चुका है। अब हम अगली चीज़ जो करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, हम सेट करेंगे क्लॉक, यानी हम अपनी क्लॉक किस तरह सेट करते हैं अपने राउटर की, वो हम देखते हैं किस तरह करते हैं। और क्लॉक जो है हम किस तरह सेट करते हैं, किस मोड पे सेट करते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले मैं जाऊँगा इसको लॉग इन करूँगा हुआवे और हुआवे वन और फिर इनेबल और फिर मैंने इसका पासवर्ड था सिस्को लैब। अब ये देखें मैं एक्सेस हो चुका हूँ इस मोड पे। अब याद रखिएगा कि जब भी आपको क्लॉक सेट करनी हो, तो अब क्लॉक जो है सेट होती है हमेशा प्रिविलेज मोड पे। अब प्रिविलेज मोड पे पहले मैं देख लेता हूँ अभी जो क्लॉक चल रही है वो क्या है। मैंने लिखा यहाँ पे शो कीवर्ड शो क्लॉक, कमांड लिखी शो क्लॉक की, तो ये देख सकते हैं कि टाइम जो है ये एकदम ही आउट आ रहा है, मतलब आउट आ रहा है, मतलब जैसे मेरे पीसी में इस वक्त टाइम हो रहा है उस हिसाब से नहीं आ रहा, यानी डेट भी चेंज है, टाइम भी चेंज है, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपना टाइम खुद सेट करूँगा, वो मैं किस तरह करूँगा आइए देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लॉक सेट, ये मैं कमांड लिख रहा हूँ, क्लॉक सेट करी मैंने और मेरे पास टाइम हो रहा है अभी 11:20। मैं एक मिनट ऊपर बढ़ा देता हूँ, 11:21 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कितने सेकंड हो गए, मेरे हिसाब से 10 सेकंड हो गए हैं, मैंने अपनी वजह से टाइम सेट किया। और तारीख क्या है 19 मैंने लिखा और जून लिखा और मैंने लिख दिया 2020। तो ये मेरे पास क्लॉक सेट हो चुकी है। अब मैं जब शो क्लॉक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्लॉक सेट हो चुकी है। तो इस तरह हम क्लॉक को सेट करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में और किसी लैब के साथ जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी लैब में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।